लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत। उस्मान डार के घर पुलिस कार्रवाई से मुतल्लिक इलम नहीं है और सियालकोट से वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं और लगते रहेंगे। उनका मजीद क्या कहना था इस हवाले से जानिए। उनसे मशवरा कर लूँगा साथियों से, जिस तरह हुक्म करेंगे जो हमारे दोस्त हैं, वर्कर हैं, साथी जो हैं, कि किस हल्के में मैं रखूं कागज़ और किन पे उठा लूँ। सब पे तो मुमकिन नहीं होगा, तो लेकिन जिस जहाँ भी एक कंसेंसस होगी कि किस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ना है, उस हल्के से मैं कागज रखूंगा, अब दूसरे हल्कों से उठा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो कैप्टन सदर ने एक बयान दिया है, वो कैप्टन सफसर साहब से पूछें जी। मैं मेरी अगर मेरी क्यादत को बयान देती है तो उसका मैं जवाब या कोई तशरीह कर सकता हूँ। उनका ज़ाती बयान है और वो देश में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, बेटा है वो सफदर जो है, तो लेकिन मैं वो उन्हीं से पूछें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।